बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस की, जो कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो अपने कंटेंट वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पेशली जब भी हम कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं और हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी बिज़नेस की एनालिसिस वगैरह करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं। तो आज हम उन सबको जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें कुछ जो कॉमनली यूज़ होने वाले जो एनालिसिस के टेक्निक्स हैं वो आपके पास यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। इन सब में शामिल है पेस्टल एनालिसिस, स्वाच एनालिसिस, चार्ल्स एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, फाइव फोर्स एनालिसिस, नॉइस एनालिसिस, सॉर एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, इन एनालिसिस को जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास एनालिसिस की टेक्निक्स मौजूद हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं अपने जो है वो बिज़नेस की एनालिसिस वगैरह के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी और मार्केटिंग वगैरह के एनालिसिस के लिए। पर उनमें से जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं वो ये सारे हैं जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन किया, और आज हम इन सब की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस एक्चुअली छः फैक्टर्स को जो है वो एनालाइज करता है, जिसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, टेक्नोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है और लीगल है। ये छः जो डोमेन्स हैं, ये छः डोमेन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करते हैं। तो अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी भी बिजनेस की मैक्रो इकोनॉमिक वैल्यू चेक करनी होती है तो हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं। फिर हम आते हैं स्वॉट एनालिसिस पर। स्वॉट जो है वो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इवन अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उस पर भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो किसी बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई आपका प्रोजेक्ट हो, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, ठीक है, इवन आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को भी जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला जो है वो एनालिसिस टेक्निक है। इसमें हम मेजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार चीज़ों को देखते हैं, बट ये चार चीज़ों की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डेवलपमेंट में ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, या कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो ये चारों चीज़ें यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये चारों चीज़ें जो हैं वो आपकी स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बना सकती हैं फ्यूचर के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये एनालिसिस टेक्निक। फिर हम आते हैं चॉज एनालिसिस पर। चॉज इज़ द अपोजिट ऑफ स्वॉट। ठीक है, इसमें हम जो है वो स्वॉट का ही फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो सवाल ये आता है कि जनाब, वाई वी आर यूजिंग चॉज एंड वाई वी आर यूजिंग स्वॉट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो हम देखते हैं जनाब, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं तो ये इंटरनल जो हमारा एनवायरनमेंट है और उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं ये उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। और अगर हम टॉस की बात करते हैं तो टॉस जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ज़्यादा डिस्कस करता है, बिकॉज इसमें जो है वो हम सबसे पहली बात जो है वो थ्रेट्स की करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डिस्कस करने लगते हैं तो हम सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद थ्रेट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फिर उसकी वीकनेसेस क्या हैं और फिर हमारी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्वॉच एंड चॉस एनालिसिस। अब आते हैं हमारे पास एक और एनालिसिस है टेक्निक, जो कि है पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। पेस्ट जो है वो हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब, ये एक स्मॉलर वर्जन है पेस्टल एनालिसिस का। ठीक है, और इसी का जो है वो लार्ज वर्जन जो है वो पेस्टल एनालिसिस है, जिसमें पेस्ट में अगर हम बात करें तो पेस्ट में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। बस इसमें यह है कि जनाब, आप लॉजिकल और आपके जो लीगल और जो आपका वो है इन्वायरमेंटल, इन दो चीज़ों को आप नहीं वो करते, एनालाइज करते, बाकी सारी चीज़ों को हम मार्केट के रिस्पेक्ट में एनालाइज कर सकते हैं।
फिर हम आते हैं फाइव फोर्स एनालिसिस पर। फाइव फोर्स एनालिसिस एक्चुअली डिस्कवर किया था पॉटर ने, और पॉटर के ये फाइव फोर्स एनालिसिस कहलाते हैं। इन फाइव फोर्सेस में हमारे पास जो चीज़ें शामिल हैं वो ये पांच हैं: कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सप्लायर पावर, बायर पावर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। तो ये जो हमारा फाइव फोर्स एनालिसिस है ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो मार्केट में कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रही हों, या जो मार्केट के अंदर अपनी कोई वैल्यू बनाना चाह रही हों, या जिनका काम किसी प्रोडक्शन सेक्टर का हो, तो उसमें जो है वो हम फाइव फैक्टर एनालिसिस को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास ये जो फाइव फैक्टर्स हैं, इसमें हमारे पास दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। पहला है आपका सप्लायर पावर और सेकंड है आपका बायर पावर। तो ये सप्लायर और बायर पावर जो है वो इस फाइव फोर्स एनालिसिस का जो है वो मेन पोर्शन है, जिसमें हम मार्केट के रिस्पेक्ट में रहते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करते हैं। अब आते हैं हम नॉइज़ एनालिसिस पर। वट इज़ नॉइस एनालिसिस? नॉइस एनालिसिस एक्चुअली एक ऐसा टूल है जिसमें हम किसी भी बिजनेस का करंट स्टेट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की करंट स्ट्रेटेजिक प्लान वगैरह जो होता है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो पांच चीज़ें मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज़ नीड, सेकेंड वन इज़ अपॉर्चुनिटी, थर्ड वन इज़ इम्प्रूवमेंट, फोर्थ वन इज़ स्ट्रेंथ एंड फिफ्थ वन इज़ एक्सेप्शन। ये पांच हमारे पास जो है वो नॉइस एनालिसिस के मेन पार्ट्स हैं। तो अगर हम नीड्स की बात करते हैं, तो जब भी हम बिज़नेस के डोमेन में किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि जनाब उस बिज़नेस से जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्ट्रेटजी जनरेट हो रही है, एक्चुअली उसकी नीड कहाँ पर है, या ये कह लें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की एज एन इंडिविजुअल क्या वैल्यू है मार्केट में, ठीक है। फिर अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो हम इसमें सारे फैक्टर्स को देखते हैं, वो फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो उसका लोकेशन हो, चाहे वो उसकी पीर ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो उसके जो है वो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हों, चाहे वो उसकी जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हों। ये इन सारी चीज़ों को हम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्शन में एनालाइज़ करते हैं। फिर हमारे पास थर्ड सेक्शन है इम्प्रूवमेंट। इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को मज़ीद जो है वो कहाँ कहाँ पर लैकिंग हो रही है, और कहाँ कहाँ पर जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और ये इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन एक्चुअली डिपेंडेंट होता है अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन पर। फिर हम बात करते हैं अगर स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ जो है वो करंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है, या जो उसकी मेन चीज़ है जिसकी वजह से आपका कोई भी बिजनेस प्लान हो, स्ट्रेटजी प्लान हो, जो भी हो, वट एवर, वो सक्सेसफुल अगर है तो वो क्यों है, तो ये आपकी जो है वो स्ट्रेंथ होती है। एक्सेप्शन में हम तमाम फैक्टर्स का करंट इम्पैक्ट देखते हैं कि उन सब का करंट इम्पैक्ट क्या है, और मज़ीद फ्यूचर पर जो है वो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फिर हम आते हैं सॉर एनालिसिस पर। सॉर एनालिसिस भी जो है वो हम अगर देखें तो इसमें चार चीज़ें हैं: स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, एस्पिरेशन और रिजल्ट। ये बिल्कुल इसी तरह से हैं जिससे हमारे पास सॉर्ट एनालिसिस था, उसमें वीकनेस और थ्रेट्स थे, इसमें एस्पिरेशन और रिजल्ट है। तो इसमें जो है वो हमारे पास वीकनेस नहीं है, दैट मींस कि हमारे पास जो स्वॉट का मेन फोकस था वो कंपटीशन के एस्पेक्ट्स में था, जबकि इसका जो मेन फोकस है वो अपोजिंग फोर्स के लिहाज से है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ये कह लें कि स्वॉट एनालिसिस से मिलता जुलता है, बट इट फोकस ऑन अपोजिंग फोर्सेस जो कि आपके बिजनेस को जो है वो अपोज कर रही हैं, तो हम उसे इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने वैल्यू चेन एनालिसिस पर। वैल्यू चेन एनालिसिस एक्चुअली एक विजुअल जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें आप अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, अपने डिलीवरेबल्स को और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में किस तरह से दे रहे हैं, आप उसे मेंशन करते हैं। तो हम देखते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस की एक अदद एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये कुछ इस तरह का इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम जो है वो अपने फर्म की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपने उसको जो है वो शेयर करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास एचआरएम में क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है आप उसे इंक्लूड करते हैं। फिर प्रोक्योरमेंट है। अब ये चारों चीज़ें जो है वो हम देखते हैं कुछ
मतलब मेन स्ट्रेटेजीज पर, जिसमें हमारे पास इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होते हैं, ऑपरेशन है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स है, मार्केटिंग, सेल, सर्विसेज। ये पांच चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में। तो इन पांचों चीज़ों पर हम ऊपर की जो आपके पास ये चार मेंशन चीज़ें हैं इनको हम डिस्कस करते हैं और इस पर जो है वो हम इसे मैप करते हैं। तो इससे जो है वो आपको बिज़नेस की तमाम जो है वो इनसाइट इंफॉर्मेशन मिलती है और डेवलपमेंट और फ्यूचर और आपके बिज़नेस में लैकिंग कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप ईज़िली एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर से, एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा पैटर्न एनालिसिस, सॉर्ट, और ये इन सारे हम एनालिसिस को एक एक करके वन बाय वन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम इन्हें किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो बिज़नेस के रिगार्डिंग हो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने इसे पसंद किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं या वेब कंटेंट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करें। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।